Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Stay home, stay safe. See class, हम लोग कर रहे थे chapter number 6, solids, liquids and gases, जिसके हम लोगों ने reading भी की थी और first 4 questions भी किए थे. तो question answers हमें हमारे 2 question answers रह गए थे, आज हम वो 2 question answers अपने करेंगे. तो जल्दी से अपनी workbooks open कीजिए, page number 9. Workbook का page number 9 open कीजिए. हमारा question number 4 हमने करना था, What does ice turn into when it's melt? अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है हमें कि जब आइस पिघल जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है. ठीक है, तो आप लोगों को भी पता है कि जब आइस मेल्ट हो जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है ना. तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, आइस टर्न्स इनटू वाटर व्हेन इट्स मेल्ट. ठीक है, आइस टर्न इनटू वाटर व्हेन इट्स मेल्ट. जी क्लास, आइस टर्न्स इनटू वाटर व्हेन इट्स मेल्ट. ठीक है, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है कि वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में. आपने ऊपर से ही लिखना है आइस टर्न्स, टर्न्स के साथ हम एस लगाएंगे, आइस टर्न्स इनटू वाटर, जस्ट वाटर लिखना है. व्हेन इट इट्स के साथ हम एस लगाएंगे, इट्स, और मेल्ट के साथ एस नहीं लगाएंगे. ठीक है, व्हेन इट्स मेल्ट, आइस टर्न्स इनटू वाटर व्हेन इट्स मेल्ट. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी चेंज वाटर इनटू सॉलिड. अब उसने कहा है कि हम पानी को सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं. तो कैसे चेंज होता है पानी सॉलिड में, व्हेन इट्स फ्रीज, जब वो फ्रीज होता है, जब हम उसकी आइस बनाते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, व्हेन वाटर फ्रीज इट्स चेंज इनटू सॉलिड. ठीक है जी क्लास, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, व्हेन वाटर फ्रीजेस. ठीक है, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट चेंज इनटू सॉलिड, जब पानी जम जाता है तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है. ठीक है क्लास, आप लोगों ने ध्यान से लिखना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है क्लास, W 2 लाइंस में हो या 3 लाइंस में, उसके आप तीनों कॉर्नर्स जो है ऊपर लाइन के साथ टच होने चाहिए. ठीक है, आप लोगों ने इसको सेंटर में नहीं लिखना, इसके तीनों लाइंस जो हैं इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो 2 लाइंस में हो या 3 लाइंस में हो. ठीक है क्लास, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखेगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़.